भाग दो। इस संदेश का शीर्षक है, उन लोगों का क्या जो बिना सुसमाचार सुने मर जाते हैं, वे कहां जाते हैं। इस संदेश का भाग एक अवश्य देखिए, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में हर मनुष्य को मरने से पहले सुसमाचार सुनाया जाता है। जब हम कभी इस बात में बहस में उलझ जाते हैं कि कौन सा पुराना था, तो आमतौर पर मसीही जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जैसे उसे बताया जाता है कि हिंदू धर्म तो यीशु मसीह से पुराना है। तो प्लीज याद रखिए, जब से मनुष्य की शुरुआत हुई है तब से गॉस्पल आदम को सुनाया गया था, उत्पत्ति के 3:15 में। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान जो सांप बन के आया था उसके बारे में लिखा ही है, और इंग्लिश की जो बाइबल्स होती हैं, जो अच्छी ट्रांसलेशन है, उसमें सीड जो है उसमें एस कैपिटल है, जो हिब्रू भाषा में जब ये लिखा गया था तो हमें पता था ये खास बीज के बारे में बात कर रहा है, जो बाद में पौलुस ने भी यूज किया रोमियो के 4 में, सीड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का जो बीज है। तो हमें मालूम है कि वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि शैतान का सिर हमेशा के लिए कुचल देगा। गॉस्पल तो वहीं से शुरू हो गया, हमेशा याद रखिए। पूरी की पूरी जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जो पुराना नियम है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। अगर आप भजन संहिता पढ़ें, अगर आप भविष्यवाणियां पढ़ें, यशाया की, यरमाया की, वो सिर्फ मसीहा के बारे में बता रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मसीहत या ईसाईयत ईसा मसीह के बाद शुरू हुआ है। ईसा मसीह, यीशु मसीह नाम जो है वो 2000 साल पहले आया था, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो तब से शुरू होगी जब पहला मनुष्य आया था। तो क्या उससे पुराना कोई धर्म हो सकता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, जितना भी आर्कियोलॉजिकल पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने डिस्कवर किया है, उसके उनके डिस्कवरी के हिसाब से जो सबसे पुराने सिविलाइजेशंस जो हैं, मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस, वो मेसोपोटामिया यानी इराक और इजिप्ट यानी मिश्र, वहाँ के देशों की है। उसमें जो एशिया के जो देश हैं, हिंदुस्तान या चाइना, इनके नाम नहीं आते उसमें, वो बहुत बाद में आए थे वो। क्यों मैं मालूम ये बात कि सच है? क्योंकि जब अदन का बगीचा जब जो था, उसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, वो जो 4 नदियाँ जो मिलती थी, उसमें से टिग्रिस और यूफ्रेटिस, उनके हिंदी के नाम मुझे कभी याद नहीं रहते, जहाँ पर वो मिलती थी वो नदियाँ, वहीं पर अदन का बगीचा था। उसी एरिया के आसपास मेसोपोटामिया और इजिप्ट, ये सिविलाइजेशन उसी के आसपास बड़ी हुई है। तो पुरातत्ववेत्ता जो बताता है, जो डिस्कवरी करते हैं, जो सेटलमेंट ऑफ विलेजेस, जो गांव, बड़े बड़े गांव जो बसे थे, वो इसी एरिया में बसे थे। ये वो सबूत हैं जो बाइबल से कॉरस्पॉन्ड होते हैं, मैच करते हैं। दूसरे सारे सिविलाइजेशन उसके बाद में आई थी। तो गॉस्पल जो आदम से निकला, वो धीरे 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 सारे जगत में अपने आप फैल रहा था, उन्हीं के बच्चों के द्वारा। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि जो मसीहत के बारे में हम जो बताते हैं, तो वो कि ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है जो हम बता रहे हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि अरे आपने पहली बार बताया मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। हो सकता उसको ना पता हो, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो तो तब से चला आ रहा है, आदम के समय से। तो कभी ये मत सोच लेना जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हम उसे कोई नई चीज़ बताने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम तो सबसे पुरानी चीज़ बता रहे हैं जो आदम को बताई गई थी। रोमियो का 5:12 इस बात का सबूत है कि आदम से ही सारे मनुष्यों में पाप गया, जो सिर्फ बाइबल ही सिखाता है। रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। रोमियो का जो अध्याय है, जो पौलुस ने लिखा था, पौलुस कौन था? पौलुस ने जब ये बताया था उस समय नया नियम लिखा नहीं गया था, वो तो सिर्फ पुराने नियम को जानता था। उसको अच्छे से पता था कि पाप कहाँ से आया, आदम से आया, वो सबको मालूम था। तो वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम सब आदम की संतानें हैं। ये समाचार तो आदम के हर बच्चे को पता है किसी न किसी तरीके से, हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो। प्रेरितों का 14:16-17 उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 17, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है, उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। किसी ना किसी रूप में परमेश्वर ने अपनी गवाही हमेशा दी है, नहीं तो बाइबल में यह वचन लिखा नहीं जाता।
तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि ठीक है, नए नियम में यीशु आया, सुसमाचार का प्रचार हुआ, तो पुराने नियम में क्या हुआ? मैंने आपको दानियल दिखाया, ऐसे बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति में चलते हैं, 41 में। आपने जरूर देखा कि आदम को सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन सारी दुनिया में सुसमाचार कैसे पहुंचा? जितनी भी छोटी दुनिया थी उस समय, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब्राहम जो आज से 4,000 साल पहले आया था तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद ईसाक आया, फिर याकूब आया, फिर जोसेफ आया। ज्यादा नहीं समय गुजरा था, 100 साल गुजरा होगा, 150 साल गुजरा होगा, लेकिन फिर भी क्या कहता है वचन? उत्पत्ति 41, 56 और 57। उत्पत्ति 41:56। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया पहली बात, अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। ये कहानी वो है जब यूसुफ को बेच दिया गया था उसके भाइयों द्वारा, वो मिस्र ले जाया गया था, और वहां पर वो गवर्नर बन गया था, बहुत ऊंची पदवी पर आ गया था। उसको परमेश्वर ने जो जो फैरो था, जो फरौन, उसको एक ड्रीम, एक सपना दिया, जिस सपने को उसने इंटरप्रेट किया, जिसने बताया यूसुफ ने, ये बताने वाला है कि उसने बताया कि आगे 7 सालों में बहुत सूखा आएगा, उससे पहले 7 साल बहुत अच्छे आएंगे, तो ये सूखा जो है सारे जगत में आएगा और सब लोग भोजन के लिए मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है आपको? अगर आप ध्यान से देखो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वो अकाल आता है या नहीं आता, वो तो दोनों तरफ से भी मैनेज कर सकता था परमेश्वर, लेकिन वो सिर्फ अकाल एक ही वजह से लेके आया था कि दुनिया के कोने कोने से लोग मारे मारे होकर जाएंगे यूसुफ के पास और सुनेंगे सारी कहानियां। कौन है ये परमेश्वर जिसने सपने के बारे में बताया? इसराइलियों का परमेश्वर, वो है सच्चा परमेश्वर। क्योंकि तो फरौन खुद कह रहा है, फरौन कोई यहूदी नहीं था, कोई इसराइली नहीं था, हाँ, लेकिन उसने यूसुफ के परमेश्वर को स्वीकार किया, उसको ऊंची पदवी में बैठाया। और बाइबल हमें सिखाता है कि जब तक उसकी जनरेशन चली है, यूसुफ की जो पीढ़ियां चली हैं, बहुत अच्छे ओहदे पर रही है वो, यानी फरौन ने स्वीकार किया था। परमेश्वर चाहता था अकाल के टाइम पर जब लोग मरेंगे भूख से, उन्हें सच्चा परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए ये पूरा प्लान, पूरी योजना जो परमेश्वर की थी, सिर्फ सुसमाचार के लिए थी। कैसे? पढ़ो इसको। 57। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। आप सोचो, जो आदमी जाएगा वहां पर, वो हैरान नहीं होगा ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हारे देश में इतना अन्न है? वही कहानियां जो हर देहाती, हर गांव वाले को पता होगी, बोलेगा हाँ, ये यूसुफ जो इसराइली है, इसने राजा को बताया था ऐसा होगा, इन्होंने गोदाम बनाया, इन्होंने। छोटी दुनिया थी, ज्यादा समय नहीं हुआ था, याद रखे इस बात को। ईसा मसीह से करीब करीब 1500-1600, अब्राहम से अगर लेता हूँ, 1900 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ज्यादा ईसा मसीह से 1900 साल का मतलब हो गया तकरीबन 4,000 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दुनिया कितनी पुरानी है बाइबल के हिसाब से? सिर्फ 6,000 साल। साइंस ऐसे बताता है, करोड़ों साल, अरबों साल, ऐसा कुछ नहीं है, 6,000 साल। 6 दिन में उसने पूरे संसार की, पूरे जगत की सृष्टि करी, और 7वें दिन उसने सारे कामों से विश्राम किया। ठीक उसी तरह 6,000 साल प्लस 1,000 साल जो यीशु मसीह का जो आएगा, जिसमें भरपूर शांति रहेगी। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया ज़्यादा पुरानी नहीं है। जितने भी लोगों ने ईमानदारी से रिसर्च किया है, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने पाया कि धरती ज़्यादा पुरानी नहीं है, नहीं, बहुत यंग है, इट्स अ वेरी यंग अर्थ। जितने भी ऑनेस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया, और वो हैरान होते हैं कि दुनिया तो ज्यादा पुरानी नहीं है। जो उन्होंने ये कैलकुलेशन किया, मैथमेटिशियंस ने, कि अगर आदम हवा के बच्चे हुए होंगे, तो अंदाजा लगाया उन्होंने किसी के, 2, 4, 6 ऐसे जो कैलकुलेशन किया, तो वो भी ठीक इसी पॉपुलेशन पे पहुंचे जो आज की दुनिया की पॉपुलेशन है। कई तरीके से लोगों ने रिसर्च करके देखा कि बाइबल सही है। तो उस 4,000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दुनिया बहुत छोटी थी, ज्यादा नहीं फैली हुई थी, ज्यादा लोग नहीं थे उसमें। और कहाँ से शुरू हुआ था? जैसे सिविलाइजेशन जो आदम का बगीचे के आसपास, जो मेसोपोटामिया से फैल रही थी दुनिया, वो सब लोग आए, और आते ही उन्होंने क्या पूछा? तुम्हारे पास इतना गोदाम में अन्न कैसे है? इतना इतना अनाज कैसे है तुम्हारे पास? और सारी कहानियां उन्होंने सुनी, और वो क्या करते रहे? अनाज के साथ अपनी कहानियां भी लेके गए। परमेश्वर हर समय ये करता था कि लोगों को, जैसे दारा राजा, दारियस के बारे में बताया, वो सारा कुछ घोड़े पे जा जा के लोग कहेंगे कि दानियल का परमेश्वर है, उस पर विश्वास करना है, वही सच्चा परमेश्वर है। हर जगह ये खबर फैलाते रहते थे। जब बलिदान का सिस्टम शुरू करवाया परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने बाढ़ से सारे पृथ्वी को नष्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? नूह ने आते ही सबसे पहले फिर से बलिदान शुरू किया, क्योंकि नूह को पता था कि बलिदान तो देना ही है, उसको कुछ जरूरत नहीं थी। वो आठ में से बाहर निकला,
जहाज में से, और उसको कोई जरूरत नहीं थी आके बलिदान देने की, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करता था तो बलिदान सिस्टम उसने एसिडिश अपना जारी रखा, जो आगे जाके अब्राहम ने भी किया, वरना बलिदान सिस्टम तो वहीं खत्म हो जाता क्योंकि नूह के समय के सब लोग तो मारे गए थे, लेकिन नूह विश्वास करता था, उसने बलिदान दिया जैसा बाइबल सिखाता है, अब्राहम ने बलिदान दिया। बलिदान सिस्टम हमें सिखाता है कि ये समाचार, सुसमाचार हर समय सारी पृथ्वी पर फैलता रहे, कभी नहीं रुका ये आज तक। उसके अलावा यशाया 9:6-7 जो 700 BC यानी 700 साल ईसा पूर्व जो यशाया ने लिखा, यशाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7 उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो ये जो मसीहा के बारे में बताया गया है, यशाया जो दानियल से पहले आया, तो दानियल को भी मालूम है इसके बारे में, भजन संहिता के बारे में, दानियल जब दारियस से मिला, राजा दारा से, ये सारी कहानियाँ उस समय बेबीलोन में, इजिप्ट में, सब जगह फैलती थी, और दारियस जो बता रहा है लोगों को कि ये परमेश्वर, तब तक लोगों को मालूम था इसराइलियों का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। जैसे आज लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लोग हंसते हैं इन सब बातों पे, उस समय भी काफ़ी लोग हंसते थे और वो कभी अपने बच्चों को नहीं बताते थे, तो उनके बच्चों को लगता था कि मेरे मम्मी डैडी ने तो कभी नहीं सुना, मेरे दादाजी ने तो कभी नहीं सुना जैसे हमें लगता है, लेकिन उन बच्चों को भी वैसे ही सुनाया जाता है जैसे उनके मम्मी डैडी को सुनाया जाता है, तो वो ये सोचेंगे नहीं हमें तो तुमने बता दिया, लेकिन मेरे दादाजी को थोड़ी पता, वो तो मर गए, आपको कैसे पता। ये तो शुरू से बाइबल से कहा रहा है कि हमेशा से ये बात दुनिया में फैलती रही है किसी ना किसी रूप में, और आपके दादाजी ने भी ठीक सुना, विश्वास नहीं किया, आपको नहीं बताया, ठीक वैसे ही शायद हो सकता है कि वो भी विश्वास ना करे और अपने बच्चों को ना बताए, लेकिन उनके बच्चों को भी पता चलेगा, सबूत हम खुद हैं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ सुमित, जब तक आपको नहीं पता था कितने चांसेस थे आपके इस संदेश को समझने के, या कोई आपके पास ये संदेश लेके आएगा, कितने चांसेस थे इस बात के, आप एक हिंदू बैकग्राउंड से थे, बहुत कम चांसेस थे, परमेश्वर लेके आया, परमानेंटली लेके आ गया आपके पास, उससे पहले भी मुझे पता, किसी ने बताया था तो मैंने विश्वास नहीं किया था, आपके पास कितने चांसेस थे रोताश, कोई चांसेस नहीं थे, तो ये कहना कि नहीं मैं, हम तो दूसरे धर्म के थे हमारे आपको तो नहीं पता, नहीं, डेफिनेटली परमेश्वर पहुंचाएगा। एक किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जो इंग्लिश में है, इटर्निटी इन द हार्ट्स, कल मैंने बहुत कोशिश करी उसको ढूंढने के, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो कुछ कुछ बातें मुझे उसकी याद हैं, मैं थोड़ा और उसको पढ़ना चाहता था, बट आप भी वो बुक खरीद सकते हैं, इटर्निटी इन द हार्ट्स, उसमें डॉन रिचर्डसन जो एक पैस्टर था, बहुत ही यंग पैस्टर था वो, तो उसने सोचा अपने मन में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारी प्रजातियों ने कभी सुना ही ना हो, मैं जाके पता लगाता हूँ, तो वो निकल पड़ा अपनी वाइफ के साथ से एडवेंचर पे, और जो ट्राइब्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं जिनको सिविलाइजेशन नहीं पता, उन तक भी पहुंचा वो, लेकिन वो हैरान रह गया, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उससे पता चला कि सब लोगों को किसी ना किसी रूप में ये कहानियाँ मालूम थी, आदम हवा की, बाढ़ की, और पाप जो शैतान लेके आया, ये सारी कहानियाँ किसी ना किसी रूप में सबको मालूम थी, और वो बड़ा हैरान हुआ था ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि सब तो आदम से निकले थे, कुछ लोग सिविलाइज हो गए, कुछ जातियाँ नहीं सिविलाइज हो पाई, यानी कि वो विकास नहीं कर पाई, लेकिन नॉलेज तो उनके अंदर भी थी, उसकी जब किताब पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं उन प्रजातियों के बारे में जो बिल्कुल गॉस्पल से कनेक्ट होती है। उदाहरण के तौर पर उसमें एक कबीले, दो कबीले ऐसे हैं जो उन्होंने, उनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, काफ़ी लोग मर जाते थे, तो उन्होंने एक वो तरीका निकाला, एक समाधान निकाला उसका, कि हम ऐसा करते हैं कि अपने प्रजाति का एक बच्चा हम तुम्हें देते हैं और तुम अपनी प्रजाति का एक बच्चा हमें दो, हम दुश्मन हैं लेकिन उस बच्चे को हम पालेंगे ठीक ठाक से, उसको बोलते हैं पीस चाइल्ड, शांति का बच्चा, और उसको हम ठीक ठाक से पालेंगे, ये इस बात का प्रतीक होगा कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये अरेंजमेंट निकाला है, पीस चाइल्ड। पीस चाइल्ड का जो पूरा बाइबल है वो सिर्फ यही बताता है, पीस चाइल्ड कौन है, वो शांति का बच्चा जो शांति लेके आता है,
यीशु मसीह, उन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि हम लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे एक बच्चे को पालना, हम तुम्हारे एक बच्चे को पालेंगे, इससे हमारे बीच में वो दुश्मनी नहीं आएगी, हम वो हमारे बीच में शांति लेके आएगा, उन्होंने ये तरीका निकाला। दूसरा उन्होंने तरीका ये निकाला कि नाव में एक बकरी को डाल के उसको हम उसके ऊपर सारे पाप रखेंगे और उसको हम छोड़ देंगे। ये सिस्टम किसने निकाला? ये सिस्टम तो बिल्कुल इसराइलियों का है, यहूदियों का है। जैसा कि लय व्यवस्था 16:21-22 में लिखा है, 21, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। 22, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, जिन सबका तो समय नहीं है मेरे पास। हेड हंटर्स, ऐसे जो पुराने जो अफ्रीका के जो ट्राइब्स हैं जिन पर लोग पहुंचे, कभी कभी आदमी सोचता है ये तो जंगलों में रहते हैं, इन्होंने तो सुसमाचार कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन आप हैरान रह जाओगे उनके पास भी वो कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि निकले तो आदम हवा से थे सारे, कहीं ना कहीं से कहानियां पहुंची हुई उनके पास। उसकी तो फिर उनके पास भले ही पूरी कहानियां नहीं है, लेकिन उनके पास जो कहानियां हैं उससे भी उनको जवाबदारी है। मैं बताता हूं क्यों। इसको हम पढ़ते हैं रोमियो का 2:12-15। रोमियो 2:12-15। 12, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो कभी कभी कोई ये कहता है कि हमें तो सुसमाचार मालूम नहीं है, तो वो पौलुस ये समझा रहा है कि व्यवस्था लॉ जो दिया गया था मूसा के समय से, उससे पहले भी लोग पाप करते थे और मृत्यु भी थी, यही इस बात का सबूत है कि पाप था क्योंकि लोग मरते थे। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई जवाबदारी नहीं थी। दोबारा से पढ़ो इस वचन को। रोमियो 2:12-15। 12, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। 13, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने व्यवस्था पाई है उनको तो मालूम ही है कि हमने पाप किया है, तो उनका जो अंतरात्मा उनकी जो कॉन्शियंस है वो तो बता रहे कि हमने गलत किया, वो तो समझते हैं इस बात को। लेकिन 14, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। स्वभाव यानी उनका जो कॉन्शियंस है, जो अंतरात्मा है, जब ये मिशनरीज जाते थे ऐसे ऐसे कबीलों में, ट्राइब्स में, जिनको गॉस्पल नहीं मालूम है, वो तो फिल्म दिखाने जाते थे, लेकिन उनको ये मालूम है कि पाप क्या है, वो बता देते थे कि गलत क्या है, अगर हम चोरी करते तो वो गलत है, हत्या करते तो वो गलत है, बहुत सारे पाप उनको पता था, हम झूठ बोलते तो वो पाप है। ये सब किसने बताया? जानवरों को तो ऐसी कोई समझ होती नहीं है, मनुष्यों को क्यों होती है? वो जो कॉन्शियंस जो हमें दिया गया है, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेशन में अंतरात्मा बोलते हैं, वो हमें बता रहा है ना कि कुछ गलत है। वही अंतरात्मा, वही कॉन्शियंस हमें ये बताता है ये परमेश्वर है। कोई कितना भी बोलेगी नहीं मैं नहीं मानता कोई परमेश्वर है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बताती है कि परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर है तो इसका मतलब पाप का भी जवाब देना ही हमें। अगर वो परमेश्वर है और उसने मेरे अंदर मेरे हृदय में खोद रखा है, जैसे उसमें आगे पढ़ो 15, वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। तो व्यवस्था की जो बातें हैं उनके हृदय पर लिखी हुई है, चाहे उसको किसी ने बताई हो चाहे ना बताई हो, और जब भी कोई पाप करता है तो वो या तो बताएगा कि हाँ तुमने गलत किया, या वो उसकी परवाह नहीं करेगा, दोनों में से एक ही बात होती है। तो आज इस दुनिया में जो इतना पाप फैला, क्यों फैला है? लोगों ने कॉन्शियंस की परवाह नहीं करी। हमने भी जो पाप किए हैं अपने जीवन में, शुरुआत में हमें लगता था कि ये गलत है, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था। अभी मैं पीछे संदेश दे रहा था एक चर्च में, वहाँ सारे बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चे थे और उनके पेरेंट्स थे जो क्रिसमस के टाइम पे, तो मैं बच्चों से पूछ रहा था कि मैंने समाचार सुनाने के बाद उनको स्टेज पे बुलाया के करके और पूछा कि आप बताओ
बड़े दिन का मतलब क्या होता, तो वो ऐसे सब कह रहे थे कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सारे बच्चे एक ही चीज़ को बोल रहे थे, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और मैं सोच रहा था ये छोटे छोटे बच्चे क्या चोरी करते होंगे, तो मैंने उनको बताया, मुझे तो नहीं पता क्या चोरी करते थे, लेकिन मुझे अपना पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं किचन में जाके, उस समय की बात है जब बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स हमें महंगे लगते थे, आज तो बहुत आराम से सब लोग अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन उस समय बहुत महंगे होते थे और मम्मी उसको छुपा के रखती थी कि हम लोग जाके वैसे ना खा लेते। मैं बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स चुराता था जब, तभी मुझे अंदर से लगता था नहीं ये मेरे भाई बहनों के लिए भी है, लेकिन चलो कोई नहीं थोड़ा सा ले लेता हूँ। वो अंदर से जो आवाज़ आती थी वो हमेशा आती थी, लेकिन एक समय के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई और मैं चोरी करता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, चौके अब मेरे नॉर्मल हो जाता था। ऐसे ही बाकी सारे पाप भी होते हैं। आज जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है, एक बार आपने झूठ बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला अपने माँ बाप से, चौथी बार में आपको बहुत आसानी से बोलना समझ में आ गया कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अंजाम क्या होता है, आज के बच्चे आराम से झूठ बोल लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कॉन्शियस शेड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, लेकिन कॉन्शियस दिए परमेश्वर ने। और जब सच्चाई की आवाज़ आती है, जैसे इब्रानियों के 4:12 में लिखा है कि जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो छिप जाता आपका कॉन्शियस और आपको लगता है कि सच है, उसको आप सुन के उस समय आपको लगेगा सच है, फिर कहोगे छोड़ो मुझे क्या धर्म कर्म की बातें करनी है, मैं अपने काम धंधे में ध्यान देता हूँ, वो निकल जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे समाचार समझ नहीं आया या सुनाई नहीं दिया, उसको मिला है समाचार अपने तरीके से, पूरे तरीके से। रोमियो का एक पढ़ते हैं, अगर कॉन्शियंस को भी मैं हटा देता हूँ एक बार, अंतरात्मा को भी हटा देते हैं, तो रोमियो का 1:18-20, रोमियो 1:18-20, 18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 20, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। देखिए तो फिर वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि जब हम बिलीवर्स नहीं भी थे, विश्वासी नहीं भी होते हैं, तभी भी जो सृष्टि होती है, सूरज को देख के, चांद सितारों को देख के, बहुत बार हमारे मन में आता है कि एक परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, हम इतना ही सोच के रह जाते हैं, आगे नहीं निकलते, कभी ये नहीं सोचते कि तो जाने तो सही कि वो परमेश्वर कौन है, क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जब बार बार वो डाल रहा है हमारे मन में कि एक दिन हमें मरना है, एक परमेश्वर है, तो हमें जानना भी चाहिए कि वो कौन है और उसने हमें क्यों बनाया, ये मनुष्य की जिम्मेवारी है। कोई कल को ये नहीं कह सकता नहीं मेरी तो ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, नहीं कह सकता, क्योंकि उसके अंतरात्मा में लिखा, उसके कॉन्शियंस में लिखा है, जब भी वो गलत करता है उसको पता है कि मुझे परमेश्वर को जानना और समझना है, उसके ऊपर से उसे सुसमाचार सुनाया जाता है। इसलिए अगर कोई ये कहता भी है कि नहीं मैंने तो कभी सुना ही नहीं सुसमाचार, ना कोई बात नहीं, आपके पास अंतरात्मा तो है, पाप जो आपने किए हैं अपने अंतरात्मा के खिलाफ, कॉन्शियंस के खिलाफ, उसका आप क्या कर रहे हो, उसके लिए सोचा आपने कि परमेश्वर को कैसे जानना है, तो वो सबसे बड़ा सबूत है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं चला, क्योंकि जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे आप परमेश्वर की तरफ जाओगे, और आप जब परमेश्वर की तरफ जाओगे अपने आप परमेश्वर आपको अपने पुत्र की तरफ ले जाएगा, यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो अपने आप पहुंच जाता है गॉस्पल उस आदमी के पास। जब आप किसी को सुनाते हो समाचार, सुसमाचार, वो कहता है कि नहीं बहुत से लोग हैं जो बिना सुसमाचार के मर जाते हैं, तो उसकी बात पर ध्यान मत दो, ये सोचो कि इसको तो मैंने सुना दिया ना सुसमाचार, इसलिए वो जो कह रहा उससे, उसके बजाय आप ये सोचो नहीं ये आदमी समझ नहीं पा रहा, इसको तो मिल गया ना सुसमाचार, ऐसे दूसरों को भी मिलता है। कभी निराश मत होना, कभी डिस्करेज मत होना, क्योंकि ये डाउट हमें ना हमें नीचे दबा देता है, हमें लगता नहीं है यार कैसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे धर्म है, सबको मिला हुआ सुसमाचार आदम के समय से, क्योंकि उसी की संतान है, जैसे बाइबल बार बार सिखा रही है। हमें लगता है कभी कभी जो हमारे जो रिश्तेदार या करीबी लोग मर जाते हैं, तो हमें ये बहुत सब कुछ जानने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे दादाजी ने तो नहीं सुना होगा, वो आंटी जो मर गई उन्होंने तो नहीं सुना, मैंने तो कभी नहीं सुना, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं ना वो हमें मिसगाइड करती है, परमेश्वर कहता है कि तुम तो अभी पैदा हुए, मैं तो आदिकाल से हूँ, मैंने तो योजनाएं बनाई सबके लिए और पूरे हर मनुष्य को मैं मौका दे रहा हूँ मेरे बारे में जानने का। हमारी भावनाओं को हम जब ऊपर आने देते हैं तो ऐसी गलतियां होती है। लूका 14:26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
मतलब वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, उनको भी तो मैंने बनाया है। अगर उन्होंने अपने पापों को क्षमा नहीं मांगी या उन्होंने कभी मेरे को स्वीकार नहीं किया, तो हमारा जो संबंध था भावनाओं का वो इस पृथ्वी तक ही था, उसके आगे पीछे नहीं है। वो तुम अकेले आए थे, वो भी अकेले आए थे, तुम अकेले जाओगे, वो भी अकेले गए। मेरा जो संबंध तुम्हारे साथ है वो अनंत काल के लिए है, इसलिए उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। भावनाओं से धीरे धीरे कब निकलेंगे बाहर मालूम है, जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। मैं बहुत प्रेम था, मुझे अपने डैडी से बहुत प्रेम था, लेकिन मैं परमेश्वर को अपने डैडी से ऊपर रखता हूँ। मैं बोलता नहीं, जो उसने लिखा वो सच है, वो जीविता परमेश्वर है। तो मेरे डैडी को बहुत से मौके मिले, मैं नहीं जानता उन्होंने विश्वास किया कि नहीं। अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं यीशु मसीह को देखने के बाद स्वर्ग में सबसे पहले डैडी को देखना चाहता हूँ, ये मेरी भावना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें मौके बहुत से दिए हैं। इसका एक और सबूत यह है कि यीशु मसीह ने कुछ वादे किए हैं मत्ती 24:14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सब जातियों पर गवाही होगी, ये बात जो अंत के लिए कह रहा है वो अभी भी चल रहा है। और एक खूबसूरत बात जो यीशु मसीह ने बोली, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो है मत्ती 28:20 में, जो हमारा आज का आखिरी वचन है। मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ये जो उसने वादा किया ना कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए मुझे पता है कि सुसमाचार सबको सुनाया जाएगा, क्योंकि यीशु कर रहा है वो काम, मैं नहीं कर रहा। अगर मैं कर रहा होता या आप कर रहे होते तो शायद बहुत से लोगों को नहीं सुनाई देता, लेकिन यीशु कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा कर रहा है, ये समाचार सबके पास है, किसी ना किसी तरीके से हमेशा पहुंचा है। और जिनके पास अभी नहीं पहुंचा है उनके पास भी पहुंचेगा, हो सकता है आप भी पहुंचाए, हमें सिर्फ उतना देखना है उस बात को। तो हमें ये देखना है कि इस नए साल में क्या हम विश्वास कर सकते हैं यीशु के इस वादे पर कि वो हमेशा हमारे साथ है और सुसमाचार सबको सुनाया जाएगा अंत आने से पहले, या फिर हमें ये सोचना है कि क्या हम इस नए साल में बिल्कुल डाउट ना करें और मान के चले कि सुसमाचार सबके पास पहुंचता है और आगे बढ़े इस बात को, यह हमें सोचना है। आमीन। इस संदेश का भाग एक अवश्य देखिए, यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में हर मनुष्य को मरने से पहले सुसमाचार सुनाया जाता है।